हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। तो आज मैं आपको एक वाटरफॉल के पास लेके चल रहा हूँ जो कि बहुत ही फेमस है। वाटरफॉल का नाम है पांडवगढ़। आपने शायद सुना होगा, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपने सुना होगा। तो अभी बारिश हुई है, एक हफ्ते से बारिश हो रही है, तो वाटरफॉल चालू हो गया है। तो अभी मैं, आज संडे है तो मेरे पास टाइम भी है, तो मैं जा रहा हूँ वाटरफॉल के पास। देखते हैं वहाँ पर जाने के बाद नहाने मिलता है या नहीं, क्योंकि हर साल यहाँ पे कोई ना कोई, मतलब किसी का डेथ हो जाता है। तो यहाँ पे पुलिस लगी रहती है। तो अभी एक ही हफ्ता हुआ है बारिश होके, वाटरफॉल जो चालू हुआ है अभी एक ही हफ्ता हुआ है, तो अभी उतना क्राउड नहीं है और ना ही पुलिस है। फिर भी जाके वहाँ पे पता चलेगा कि नहाने दे रहे हैं कि नहीं नहाने दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है। मैं आपके साथ पूरा वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप प्लीज़ ये पूरा वीडियो देखिए। ये रहा गुरुद्वारा, गुरुद्वारा के पास से गेट है, आप वहाँ से आ सकते हैं। ये रहा गोल्फ कोर्स खारघर का, और ये रहा आसपास का व्यू, और वो रहा वाटरफॉल गाइस। अभी तो कम ही पानी गिर रहा है क्योंकि बारिश अभी स्टार्ट हुआ है, तो जैसे जैसे बारिश बढ़ेगा वैसे वैसे पानी का फ्लो भी बढ़ेगा। गाइस हम धीरे धीरे नज़दीक पहुँच रहे हैं। मेन गेट से लेके, मेन रोड से लेके यहाँ तक आने में कम से कम आपको 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। अगर आपके पास बाइक है, कार है, तो आप ये मेन गेट तक आ सकते हैं, नहीं तो आपको पैदल चल के आना पड़ेगा गाइस। लगता है मुझे गर्दी बहुत है। वाह, महाराष्ट्र मॉनसून में तो महाराष्ट्र स्वर्ग दिखता है भाई। बहुत गर्दी है वहां पे, बारिश भी आ गई यार। गाइस ये रहा वाटर, बहुत क्राउड है यार, बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा क्राउड है। वो पहले से आ गए। गाइस क्या हवाएं चल रही है यार, भाई पूरा कैमरे पे वो आ जा रहा है पानी। ओहो हो, अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं झरने के पास, मैगी बनाएंगे। गाइस हम लोग झरने के पीछे आ गए। वाह क्या नाइस नजारा है। चल जा जा जा, जा।
वाह यार गाइस क्या अच्छा लग रहा है यार वाह तो गाइस हम लोग झरने के पीछे आ गए हैं अभी जा रहे हैं मैगी बनाने के लिए क्या भाई मैगी बनाने जा रहे हैं वाह यार भाई पूरा फुल पोर्टेबल है इजी टू कैरी है जला दिए तुम लोग क्या हुआ यहाँ पे नहीं बनाओगे क्या कहाँ जा रहे हो बस बस वहीं वहीं ये पत्थर के पीछे बना थोड़ा हाँ बस जय भोलेनाथ गाइस हवा चल रहा है तो क्योंकि वो झरना वहाँ पे है तो वहाँ से बहुत तेज हवाएं चल रही हैं तो घुस जा रहा है हम लोग ये पत्थर के पीछे जला रहे हैं ताकि घुसे ना ऐसा खाया जाता है गरम है थोड़ा सा देखो इंस्टेंट चॉपस्टिक बनाओ चलो खाओ गाइस अभी यहाँ पे फॉरेस्ट वाले आ गए हैं अगर हम लोग सबको भगा दिए हैं कोई नहीं है नीचे अगर अगर हम लोग मतलब खड़े हो रहे हैं ना हम लोग गिर जाएंगे तो हम लोग मैगी नहीं खा पाएंगे फिर गाइस फॉरेस्ट वाले ने सबको भगा दिया कोई नहीं है नीचे गाइस अभी फॉरेस्ट वाले आते सबको भगा दिए क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ डेंजर हो जाता है, मतलब किसी न किसी की मौत हो जाती है, इसीलिए ने फॉरेस्ट वाले ने सबको भगा दिया, कोई नहीं है, सिर्फ हम ही तीन लोग मैगी खा रहे थे इसलिए बच गए, यहाँ पे ऊपर नहीं आया। अभी हम लोग भी मैगी का खा के हो गया, अभी हम लोग भी नहीं कर रहे हैं, पूरा अपना सब सामान समेट रहे हैं। हम लोग वहाँ पे थे, अभी हम लोग यहाँ पे आ गए, पुलिस अभी किसी को जाने नहीं दे रही, यहाँ पे पुलिस आ गई है, किसी को जाने नहीं दे रही है, तो हम लोग सही टाइम पे गए और सही टाइम पे वहाँ से आ गए। हम लोग गुरुद्वारे में आ गए हैं, सोच रहे हैं कि लंगर चालू होकर चल के खाना खाते हैं गाइस। तो गाइस अभी हम लोग का ट्रिप खत्म हो गया है, और ट्रिप हो गया पूरा, और पूरा ट्रिप हो गया है, ये देखो ट्रिप पूरा भर के ट्रिप लेके आया हूं। पुलिस भी आ गई थी, पुलिस हम लोग को भगाए, ऊपर से जितने लोग को सबको भगाया, अभी वहाँ पे जो पब्लिक जो चोरी छुपे वहाँ पे छुप गए थे वही नहा रहे हैं, बाकी सबको पुलिस भगा दी है। लेकिन जितना देर हम लोग वहाँ पे थे बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा, इतना सारा मजा किया, देखो भाई मजा बंद करके लेके आया हूँ, मैगी बना के खाए, मजा किए, बहुत अच्छा हो गया, मतलब टाइम पे आए थे इसीलिए हम लोग मजा कर पाए, थोड़ा लेट होता तो पुलिस, मुझे लगता है नेक्स्ट संडे से अब यहाँ पे कोई नहीं आ पाएगा, नेक्स्ट संडे से बंद हो जाएगा और कोई नहीं आ पाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज अभी से लाइक कीजिए, यस, और उसका शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, पाप लगेगा, शेयर कीजिए, धन्यवाद, अडियोस।